नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। दिवंगत राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। पार्टी के पांचों सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है और साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा गया है और इसके साथ ही लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा सिंह, चंदन सिंह और प्रिंस राज की चिराग से राह अलग हो गई हैं। पार्टी में इस टूट की वजह बीजेपी और जेडीयू के बीच चिराग को लेकर जारी तकरार को माना जा रहा है। वहीं लोजपा में आए दिन राजनीतिक भूचाल का असर बिहार की राजनीति में चौतरफा ढंग से देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान को दरकिनार कर अन्य चार सांसदों ने हाजीपुर सांसद पशुपति पारस को संसदीय बोर्ड और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। इस तोड़फोड़ के बाद बिहार में विभिन्न दलों के नेता और प्रवक्ता अपनी प्रतिक्रिया साझा करने में जुट गए हैं, जहां एक ओर जेडीयू इसे चिराग पासवान के करनी का फल बता रही है तो वहीं आरजेडी के इस फूट का कारण नीतीश कुमार को बताया है। ये एक कहावत है, एज यू सो सो विल यू रीप, जो बोइएगा आप जानते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी और 2020 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीट हम लोग जीते। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हम लोगों का। रामविलास जी की तबीयत खराब हुई। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे उनका कैसा खराब रवैया, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी उसका तो परिणाम आएगा। लोजपा के सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है। ये उनके पार्टी का अपना मामला है, किसको नेता रखना है ये खुद जो है से उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया है। आखिर लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या कर ही दिया। पहले भी चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी को छिन्न भिन्न करेंगे और उन्होंने उसी समय से कार्य योजना बनाने का शुरुआत किया था, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है बुरी तरह। ऐसे परिस्थिति में हम लोकतंत्र के जो संरक्षक हैं इस देश में, यदि इस तरह से लोगों को तोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको आगे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी और बिहार की जनता के सामने आगे जो इनका कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम का लोग बहिष्कार कर। तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना ये दोनों बहुत अहम होता है और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन है। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिया।
ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा इसी हॉल में हम लोगों ने कुछ महीने पूर्व हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए। तो स्वाभाविक है कि जैसा जिस मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की टूट को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोजपा के टूट पर सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में आरजेडी ने भी लोक जनशक्ति पार्टी के टूट पर बड़ा बयान दिया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट होने की हवा फैलाई जा रही है। कारण पशुपति पारस जी और ललन सिंह जी की मुलाकात, मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकता है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि जनता दल यू प्रलोभन देने वाली पार्टी है। जनता दल यू धनराशि का प्रयोग कर करके पार्टियों को तोड़ती है, छोटी छोटी पार्टी को तोड़ कर करके ये अपने मिलाना चाहती है। इनकी पुरानी फितरत है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनको लोकतंत्र में विश्वास तो है नहीं। जितने भी इरीगेशन से लेकर करके हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े आरसीपी टैक्स लिए गए, वो राशि यही सब में खर्च न होता है। तो स्वाभाविक तौर पर मेरा मत साफ है कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी आसानी से हमें नहीं लगता है कि टूटेगी, लेकिन जो जाल बिछाए जा रहे हैं कुछ भी वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की टूट को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोजपा के टूट पर सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में हमने भी लोक जनशक्ति पार्टी के टूट पर बड़ा बयान दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तंज कसते हुए इसे बिहार का ऐतिहासिक दिन बताया है। जो लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनाप शनाप और अनर्गल बातें कहते हैं, उनके लिए आज बड़ी सीख मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट ने यह बता दिया है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनका खुद का घर नहीं संभल सकता तो वो दूसरों की तरफ कभी भी पत्थर ना फेंकें। आज का दिन निसंदेह बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। चिराग पासवान जी की पार्टी की टूट ने एक बात को साबित कर दिया कि उनकी तानाशाही से सारे लोग परेशान थे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं पशुपति पारस जी को, और हमें उम्मीद है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे और निसंदेह बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे। एक बार पुनः पशुपति पारस जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप पर बिहार की जनता वैसे ही भरोसा कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता वैसे ही भरोसा कर रहे हैं जैसे रामविलास पासवान जी पर किया करते थे। आज एक बात साबित हो गई कि चिराग ने अपने ही बंगले में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। गौतम, जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की जो खबर सामने आ रही है, पांच सांसदों ने खुद को अलग कर लिया है, इसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसको लेकर के तमाम तरह के बयानबाजी भी अब सामने आने लगी है, तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जो है अब कुछ अलग तरीके की देखी जा रही है। बिल्कुल लियाज, आप देखिए कि जिस पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर जो अटैक किया है वो पार्टी है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जिन्होंने ये पार्टी बनाई है। बिहार के अंदर ये दो पार्टियां लोजपा और हम दो ऐसी पार्टियां हैं जो दलित के आधार पे, दलित के वजह से आज इनकी राजनीति चल रही है। दोनों ने दलित को ही अपना हथियार बनाया था, और आज बिहार में शायद हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सरकार में शामिल है, इसके पीछे लोजपा का तकरार के मुख्य वजह भी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ही है। और यही कारण है कि लगातार चिराग पासवान अटैक कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। उन्होंने 143 विधानसभा की अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ने का खुद का बहुत बड़ा निर्णय लिया। आज पार्टी के अंदर उनके परिवार, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता लगातार खुद चिराग पासवान के ऊपर अब अटैक कर रहे हैं, तो ऐसे में इनको भी बल मिल जाता है। ये ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं आज, क्योंकि रामविलास पासवान का जो सपना था वो शायद आज चूर चूर हो गया। जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पार्टी को उन्होंने पिछले 21 सालों से सींचा है, आज वो 21 घंटे के अंदर भी वो पार्टी ऐसी टूट जाएगी कि विरासत के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाले चिराग पासवान
आज कहीं के नहीं रहेंगे, खुद अपने बंगले के अंदर एक ऐसी चिंगारी लगी जो पूरा बंगला कह सकते हैं कि राख हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो विरासत के तौर पे, जो परंपरा के तौर पे, जो रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को जो दायित्व सौंपा, उनके निधन के साथ ही धीरे 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 एक ऐसा रूप ले लेगी कि आज चिराग पासवान को अपने ही पार्टी में रहने के लिए विवश होना पड़ेगा, अपने परमिशन लेनी होगी। आज उनकी पार्टी कोई मतलब कह सकते हैं कि उनकी पार्टी अब पार्टी नहीं रही। वो कैसे अलग हो गए, किस तरीके से अलग हुए, ये तमाम वो चीजें राजनीतिक सियासत के उठापटक का दौर है। और इसमें मौका मिला है जीतन राम मांझी की पार्टी को बोलने का, अटैक करने का। और दोनों पार्टियां दलित की राजनीति करती हैं, अपने आप को दलित का सबसे बड़ा नेता भी मानती है। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने जिस तरह से जो निर्णय लिया, उस निर्णय का नतीजा है कि आज उनके चाचा, उनके चचेरे भाई, उनके जो पार्टी के संगठन के लोग हैं, वो आज नाराज हैं और उन्होंने एक अलग राह बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से लगातार अलग पांचों सांसदों के अलग होने के बाद अब बिहार में जो राजनीतिक उथल-पुथल है वो लगातार देखी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौतम। वहीं कोरोना काल के कारण कई महीनों से सारे स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस की जो सुविधाएं हैं वो लगातार विद्यार्थियों को मिल रही हैं। अब इसी कड़ी में डॉक्टर श्याम प्रसाद विद्यालय में ऑनलाइन एग्जाम की शुरुआत हो गई है। इस संदर्भ में डॉक्टर श्याम प्रसाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा ने जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा दो पाली में आयोजित की गई है, जिसमें 100% विद्यार्थियों ने भाग लिया है और परीक्षा में नकल करने की कोई गुंजाइश ना के बराबर है। ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं, इसमें ग्रेजुएशन लेवल के छात्र शामिल हो रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल के छात्र जो फर्स्ट सिटिंग में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 20 एपीएम हुए, बीबीए के 85 एपीएस हुए और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 95 एपीएस। तो इस तरह से 100% 100% अपीयरेंस है। इसमें हो सकता है अपवाद के रूप में एक आध स्टूडेंट शामिल नहीं हुए होंगे, वो अलग चीज़ है। तो इसी तरह से दूसरी बेला में एक बजे से हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है और दूसरी बेला में हम लोग ले रहे हैं MCA का, LLM का और MBA का एग्जाम। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करिश्मा सिन्हा हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। करिश्मा, ऑनलाइन एग्जाम की शुरुआत हुई है तो इस एग्जाम को कैसे अंजाम दिया जा रहा है? जी न्याज, देखिए काफी समय से चल रहा था एग्जाम की जो डेट आई थी, काफी बार एग्जाम का जो डेट है उसको टाला जा रहा था, लेकिन आखिरकार जो एग्जाम का जो दिन है वो आज श्यामा प्रसाद में शुरू हो गया और एग्जाम को लेकर लोगों में, खासकर विद्यार्थियों में काफी खुशी की जो लहर थी वो देखने को मिली। लेकिन बात अगर करें, चूंकि अब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो ऑनलाइन एग्जाम में शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों को भी काफी चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोग का एग्जाम ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन उन लोग पहले क्लास करते थे लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो लेकिन चुनौती काफी बड़ा था और इसे श्यामा प्रसाद ने बहुत अच्छे से कंट्रोल भी किया है, बहुत हद तक न्यास कंट्रोल भी हुआ है और बच्चों लोगों को मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि बच्चे अच्छे से एग्जाम दे पाए और नकल की कोई गुंजाइश ही इसमें नहीं है। जी न्यास, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित होगा कि नकल की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में तो वो अपने घर पे बैठ करके ऑनलाइन परीक्षा देंगे? जी न्याज, अभी तक तो हमने यही बात की कुलपति से कि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में तो नकल होगी, लेकिन उनके तरफ से साफ तौर पर ये कहना है कि नकल नहीं होगी क्योंकि लगातार जो है शिक्षकों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और कैमरे के जरिए उन लोगों को देख रेख भी किए जा रही है कि ताकि कोई बच्चे हिले डोले ना। और सबसे बड़ी यहाँ पे एक बात होती है कि ऑनलाइन है तो लोगों के भी मन में ये रहेगा कि चीटिंग कर सके, लेकिन यहाँ पे कुलपति ने साफ बोल दिया है कि अगर कोई बच्चे हिल डुल भी रहे हैं तो उन्हें 5 से 10 मिनट के लिए रोक दिया जा रहा है। जी न्याज जी, करिश्मा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जीवन रक्षा के लिए अहम भूमिका देने वाले बेगूसराय के दर्जनों स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान सम्मानित होने वाले कर्मियों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली। इस कार्यक्रम का आयोजन सदर अस्पताल बेगूसराय के सभागार भवन में पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लिए की गई। वहीं कई कर्मियों को बेहतर कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना सहित उनके हौसला अफजाई की गई। इस दौरान जिला यक्ष्मा केंद्र के वरीय उपचार पर्यवेक्षक मोहम्मद कामरान इकबाल ने बताया कि कोरोना महामारी काल में अहम भूमिका निर्वाह करने वाले लगभग 25 स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया। कोविड में जो हमारे जितने भी वॉरियर्स काम किए और उत्साहजनक काम किए उसके लिए आज हमारे सुप्रिंटेंडेंट सर के द्वारा सबको सम्मानित किया गया, जो जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में इतना अच्छा काम किया और इतना रात दिन बेगर डरे हुए अपने जान को जोखिम में डालते हुए किसी की ना परवाह करते हुए सबकी जान को बचाने में लगे हैं। और समस्तीपुर के शिवाजी नगर ब्लॉक के अंतर्गत बरियाही घाट पर जल संसाधन मंत्री संजय झा निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि लगभग 70 किलोमीटर के नदी के तटबंध पर मिट्टीकरण का कार्य किया गया। वहीं करेह नदी के तटबंध पर कार्य में लगे एजेंसी के अधिकारियों के साथ जल संसाधन मंत्री ने कार्यों का जायजा लिया। और मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बेनीपट्टी थाना पहुंचकर दर्ज मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी रजिस्ट्रेशन की जांच की। वहीं एसपी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि फरियाद लेकर थाना पर आए फरियादियों के साथ सभी पुलिसकर्मी सही व्यवहार करें और हर संभव तरीके से उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। इसके अलावा लूट, डकैती, हत्या और अपहरण जैसे गंभीर कांडों के मामलों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। यही है कि थाना क्षेत्र में अब गश्ती वगैरह तेज करेंगे, शराब पर काफ़ी अच्छा कार्रवाई इन लोग का हो रहा है लगातार, इस पर कार्रवाई जारी रखेंगे और आसपास में शांति चोरी उरी की घटना ना हो उसके संदर्भ में या जमीनी विवाद में भी पूर्व में यहाँ पर ग्रसित रहा है उस संबंध में भी जानकारियाँ इकट्ठा करके उसको निदान करने का कोशिश करेंगे। और दुमका के जरमुंडी से जल आपूर्ति योजना में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बासुकीनाथ नगर पंचायत में जल आपूर्ति योजना आधे अधूरे में लटका हुआ है, जिसके कारण बासुकीनाथ नगर पंचायत के स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं कुछ साल पहले से ही इस महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया गया है जिसका काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं इस पूरे मामले पर दुमका नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि कोरोना काल के कारण उन्हें अब तक बासुकीनाथ नगर पंचायत का पदभार नहीं मिला है, इसलिए कार्य में देरी हो रही है, जिससे साफ साफ अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। और आज से 2 वर्ष पहले सराय केला खरसावा जिले के तिरुल डीह थाना क्षेत्र के कुकड़ू साप्ताहिक हाट बाजार में 5 पुलिसकर्मी नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। इस घटना को याद करके आज भी लोग सहम जाते हैं और आज भी लोग शाम होने पर घर से निकलने से डरते हैं। शांतिप्रिय इस क्षेत्र में पुलिस को आतंकियों के द्वारा गोली चार्ज से या उन लोगों को मर्डर किया गया था, हम लोग उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा रखते हैं कि हमारे इस शांतिप्रिय क्षेत्र को शांतिप्रिय और बनाए। जिस दिन ये घटना हुई, आप सब गवाह हैं, उसके एक दिन पहले वही उसी स्थल पर हम सारा कार्यक्रम था,
और दूसरे दिन घटना घट गई और घटना घटी आप सब है उस घटना के बाद हम पहुंचे थे जब उस पुलिसकर्मियों के सब आए थे सरायकेला खरसवां के वहां पे मैं वहां मौजूद था। उसके बाद लगातार डीजीपी से हमारी बात हुई कि भाई आप वहां पुलिस बल भेजो और जो सुविधा दो, तो बोलते तो हैं करते नहीं है। फिर अभी हम माननीय डीजीपी महोदय को आज कल ही हम जाके संज्ञान लाएंगे। थाना भवन चालू क्या पता है, थाना भवन है, अतिरिक्त पुलिस बल भेजो। ये जो कुकलू प्रखंड है इस प्रखंड में 2016 में थाना भवन के कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने का बावजूद भी यहाँ आज तक थाना शिफ्ट नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग कुकलू प्रखंड में रहते हुए निंडी से जगाजग करना पड़ रहा है, क्योंकि सिरुम जानू मोड़िया पारगावा ये चार पंचायत निंडी से पहले से ही था, अब आ गया है कुकलू में और कुकलू में अब 9 पंचायत है। इसलिए प्रखंड का बगल में जो थाना बनाया गया है उस थाना को जल्द से जल्द यहाँ शिफ्ट करके यहाँ स्थापित किया जाए, चूंकि ब्लॉक भी यहाँ अच्छा रहेगा और आम जनता भी सुरक्षित महसूस करेगी। वहीं सदर अस्पताल में कोरोना ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए दो कर्मचारी को उनके पूर्व स्थान पर भेजे जाने से कर्मचारी आक्रोशित हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने अस्पताल में कोरोना जांच का सारा काम ठप करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने जिले के सीएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि दोनों ही कर्मियों को वापस से सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त किया जाए। टीम के सब मेंबर है, कर्मचारी हैं, ठीक है। रांची में जितना भी टेस्टिंग होता है वो हम ही लोग करते हैं कोविड टेस्ट, और आज नहीं 1.5 साल पहले से काम करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे जो वरीय कर्मचारी श्री संजय सिंह जी थे, जो शुरू से काम करते आए हैं, सभी का नेतृत्व किया, उनके मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि रांची समझिए कोरोना को जीत गया, ठीक है। लेकिन मेन टर्म में कुछ आपसी रंजिश के कारण सिविल सर्जन इनको यहाँ से हटा दिया गया, जिनका विरोध में हम लोग बैठे हुए, उनके बिना काम समझिए अधूरा है। कितने की संख्या में यहाँ 250 कर्मचारी हैं। आज क्या समस्या हो रही है आपको बैठ जाने? पूरा रांची में टेस्टिंग कार्य पूरा बंद है, कहीं पर टेस्टिंग कार्य नहीं हो रहा, टेस्टिंग कार्य पूरा प्रभावित है। और हम लोग को मांग है कि जब तक संजय जी वापस नहीं किया जाएगा हम लोग बैठे रहेंगे। क्या मांग है, क्या कहेंगी आप? हमारी मांग ये है ना कि हमारे जो पहले से संजय सर यहाँ काम कर रहे हैं वो सारा कोविड का सब कुछ संभाल के रखे हैं। आज जब सब कुछ ठीक होने में है तब किसी और को उनके बदले लाया गया है। ये आपसी मंजिल के कारण सीएस सर उनको हटाए हैं। हम चाहते हैं कि जब तक संजय सर यहाँ वापस नहीं आएंगे हम कोई काम नहीं करेंगे। उनके साथ एक और का नाम सर भरद्वाज सर है, वो उन्हें भी हमें चाहिए। हमें संजय सर और शैलेंद्र भरद्वाज दोनों चाहिए, तभी हम कोविड में काम करेंगे। आप क्या काम देखती थी? हम लोग यहाँ कोविड टेस्ट। वहीं रोहतास के कछवा ओपी थाना के मंगराव गांव में नहाने के दौरान पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों खेल में सोन नदी में नहाने चले गए थे, वहीं इस दौरान दोनों डूब गए। स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को किसी तरह नदी से निकाला। दोनों बच्चों को परिजनों ने नासरीगंज के PSC लाया, जहाँ चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। वो ये दोनों कल शाम को सोन में गए थे, हाँ। फिर वहाँ नहाने लगे, हाँ। और इस दरमियान ही वो दोनों डूब गए। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग वहाँ से ले आए, लगभग आधा घंटा 45 मिनट बाद उसमें से निकाले और फिर ले आकर नासरीगंज सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ ले गए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वही हरदोई जिले में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही का कारण गौशाला की बदहाली है। जनपद के गौशाला में खाने पीने के अभाव में आए दिन गौवंश मर रहे हैं और साथ ही स्थानीय लोगों की ओर से गौशाला के कार्यरत कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।